बड़ा चौराहा पर जर्जर दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत के बाद कानपुर पुलिस ने शहर के जर्जर भवनों के सामने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है। 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। बुधवार को भारी बारिश में शहर के जनजीवन को अस्तव्यस्त कर दिया है। वहीं भारी बारिश में जर्जर मकानों को गिरने का खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में थाना पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों में रहने वाले लोगों को चेतावनी दे रही है, साथ ही सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए भी कह रही है। गुरुवार को सुबह पुलिस ने रायपुर व बादशाही नाका, हरवंश मोहल्ला, चमनगंज समेत अन्य थाना क्षेत्रों में लाउड स्पीकर से जर्जर भवनों में रहने वालों को चेतावनी और नोटिस जारी की है। पुलिस के मुताबिक अगर हादसा हुआ तो उसमें रहने वालों की जिम्मेदारी होगी और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। बीती 16 जुलाई को कानपुर में भारी बारिश के चलते सुतुरखाने में जर्जर भवन गिर गया था, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी। बारिश में हर साल जर्जर भवन गिरने से बड़े हादसे होते हैं, बावजूद इसके लोग जर्जर भवन खाली नहीं कर रहे हैं। कानपुर में 490 भवनों को नगर निगम ने जर्जर घोषित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।